बड़ी खबर ब्रेक न्यूज सामने कर का आज की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई में कम हुई कोरोना की रफ्तार। जी हाँ दोस्तों, रविवार को मिले सिर्फ 288 मरीज। जानिए पूरी जानकारी। तो दोस्तों पूरी जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले उद आपने हमारे यूट्यूब चैनल टेक कंपनी हिंदू को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल तम लिखे हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और पास ही बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट आती जा रही है। जहां कभी कोरोना की तीसरी लहर में मुंबई में 15,000 से भी ज़्यादा मरीज पाए जाते थे, तो वहीं अब यह संख्या 400 से भी कम रह गई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रविवार को मुंबई में कोरोना के 288 नए मरीज पाए गए। इसके साथ ही मुंबई में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। मुंबई में रिकवरी रेट 98% है। वहीं कोरोना मरीजों के दुगने होने की दी यानी कि डबलिंग दिन 1397 है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बता दें कि मुंबई में जल्द खत्म होगी पाबंदियां। जी हाँ दोस्तों, मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या को कम होते देखते हुए जल्द ही मुंबई में प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। मुंबई की महामौर किशोरी पेडनेकर ने भी कहा कि आने वाले समय में मुंबई में अनलॉक किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी हाल ही में बयान दिया था कि मुंबई में कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए जल्द ही प्रतिबंधों को हटा लिया जाएगा। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बता दें कि मास्क पहनना रहेगा जारी। जी हां दोस्तों, भले ही मुंबई में प्रतिबंधों को हटा लिया जाएगा लेकिन मास्क पहनना जारी रहेगा। इसके साथ ही कोरोना नियमों का भी पालन करना होगा। मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि भले ही कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आ रही हो लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है और हमें अभी भी कोरोना नियमों का पालन करना होगा। इसके साथ ही मास्क को भी लगातार पहनना होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और रोजाना ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टेक कंपनी हिंदू को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही बेल आइकन को दबा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को अपने कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन अति शुभ हो।